नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, प्रदेश में दो जगह पर तेंदुए की एक्टिविटी जो है वो प्रशासन द्वारा नोट किया गया था, यानी हमारे प्रदेश यानी दादरा एवं नगर हवेली के मसाट एवं साइली विस्तार में तेंदुए की एक्टिविटी जो है वो देखी गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अल्टीमेट भी जारी की थी, जिसके वजह से लोगों को कई सारे जो दिशा निर्देश थे वो उस पर दिए गए थे। यानी हम बता दें कि हमारे पास जब ये खबर पहुंची थी उस वक्त हमने पहला खबर जो है वो आप लोगों को इस तरह से स्क्रीनिंग पर दिखाया था, जिसमें ये तस्वीर जो लगाई गई थी ये हमने सोशल मीडिया यानी गूगल के तौर पर यहाँ गूगल से उठाया था कि लोगों को समझ में आए। और दूसरी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रियल तस्वीर है। मैं चाहूंगा थोड़ा ये जूम करें, देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये जो तेंदुए की तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो गटर लाइन से देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रियल गुड़िया फुटेज था। वो दादरा एवं नगर हवेली की चिन्हित की हुई, यानी प्रशासन द्वारा इसे वेरीफाई किया गया था, हाँ भाई ये हमारे ही प्रदेश का। जिस जगह पर जाकर हमने खबर भी आपको दिखाई थी, यानी दूसरे खबर में आप जब देखेंगे, इसके बाद हमने जब दूसरा खबर दिखाया, दूसरे खबर में हम जब बता रहे थे आपको, तो वो देखिए किस तरह से यहाँ पर स्क्रीनिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जिसके बाद हम उन जगहों पर जाकर वीडियो बनाए जिसमें पता चला था, जिसमें प्रशासन द्वारा भी हमें यानी जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी है विजय पटेल जी उनसे भी हम मिले, और उसके बाद हमने खबर जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने ये खबर को पूरी तरह से वेरीफाई किया था कि हाँ ये हमारे प्रदेश के दादरा एवं नगर हवेली के साइली विस्तार यानी पीटीएस ग्राउंड जो है वहां पर ये चीजें देखी गई थी, जिसके बाद हमने खबर बनाई। आज की अगर बात करें तो सबसे पहले बता दूं, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, देखिए आप वो वीडियो फुटेज जिसमें मैं दिखाऊंगा, ये देखिए इसे प्ले करते हैं, और ये देखिए आप साउंड थोड़ा सा बढ़ाइए इसका, क्लोज में आइएगा थोड़ा, फिर से एक बार प्ले करते हैं, स्टॉप स्टॉप कीजिए, ठीक है अभी एक बार फिर एक बार प्ले करते हैं फिर से। ये देखिए तेंदुआ जो है वो आता है, साउंड ऑफ कर दीजिए इसका। देखिए ये जो चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये चीजें देख लीजिए, जैसे कि आपको ये चीजें दिखाई गई, हटाइए इसको स्क्रीन से। ये देखिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि ये तेंदुआ जो है वो एक इंडस्ट्री में, आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री का एक दृश्य है, जहां पर ये देखने के बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक कंपनी है जिसके अंदर जो है वो घुस गया है। सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा एक बार क्लिक कीजिए, एक बार टच, और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइली की किसी एक कंपनी में घुसा तेंदुआ। यहां पर साफ तौर पर यानी सोशल मीडिया पर जो है वो लोग व्हाट्सएप के जरिए काफी सारे मैसेजेस जो है वो शेयर कर रहे हैं कि साइली के किसी कंपनी में, साइली की किसी एक कंपनी में घुसा तेंदुआ। ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह, एक चिंता जरूर जाहिर करता है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमने ये वीडियो को देखा तो सिलवासा न्यूज चैनल जो है हमारा, सिलवासा न्यूज लाइन वो एक विश्वसनीय चैनल है, लोगों इसे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और साउथ गुजरात में काफी सारे लोग इसे फॉलो करते हैं, जिसके तहत हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व तो बनता है कि आप तक जो खबर पहुंच रही है वो सच है या गलत, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल हमारे प्रदेश का वीडियो नहीं है, जरूर ये किसी कंपनी का है, लेकिन आपको उस वीडियो के भी इसकी खासियत भी बताता हूं। आप पूछेंगे कि कैसे पता चल गया, हमने भी अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर इसको खंगाला, जिसके बाद सबसे पहले हमने इस विषय में जानकारी लेने के लिए वन विभाग के एक अधिकारी को जब हमने फोन किया, तब उन्होंने सरासर इस वीडियो के लिए उन्होंने खंडन कर दिया कि नहीं हमारे प्रदेश का वीडियो नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये वीडियो है कहां का, तो वीडियो ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में ये वीडियो चल रहा है। मेरे वीडियो व्हाट्सएप की अगर बात करें तो मेरे खुद के व्हाट्सएप पे ये काफी सारे दर्शकों ने, हमारे चैनल को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग लिख के भेज रहे हैं क्या इज दिस ट्रू, कई लोग पूछ रहे हैं क्या भाई ये सच है, यानी कहीं ना कहीं लोगों में ये जो मैसेज जा रहा है बिल्कुल फेक है। आपको भी अगर ये वीडियो कोई भेज रहा है तो आप उसे फौरन बताइए कि नहीं ये फेक है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज तो बता दिया, अब मैं आपका इसका पार्ट टू दिखाता हूं, यानी एक वीडियो है, मैं चाहूंगा इसे प्ले करके हमारी टीम जो है लगी हुई उनसे कहूंगा कि दूसरा टीम इससे यहां से लीजिए बैक करके जाइए फटाफट, और उन्हें बताइए कि किस तरह से ये चीजें जो है। देखिए इस वक्त मेरे स्क्रीन पर एक यूट्यूब लिंक है जिसे मैं ओपन किया हूं, और TV9, ये TV9 जो है तेलुगु टीवी लाइन है, पिछले 2 महीने पहले का ये न्यूज है जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, साउंड बढ़ाइए थोड़ा। ये देखिए ये वही फुटेज है, अकड़ के चीरे तेरा प्रवेशन चिंदी
थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा और यानी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये तेलुगु समाचार जो है वो ये बता रहा है TV9 ग्राउंड जीरो से साउंड ऑफ कीजिए। देख सकते हैं आप ये जो वीडियो देखी जा रही है ये वही तेंदुआ है, ये वही इंडस्ट्री है, साउंड ऑफ कर दीजिए। ये सारी देखिए ये वही फुटेज जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाया जिसे बताया जा रहा था कि साइली का वीडियो ये पिछले 2 महीने पहले TV9 द्वारा इसे अपडेट करके तेलुगु समाचार में यानी TV9 जो तेलुगु है उस पर डाला गया है और ये 2 महीने पहले का वीडियो फुटेज है जो अब हमारे प्रदेश में किसी ने वायरल कर दिया है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है कि साइली की किसी एक कंपनी में जो है वो ये तेंदुआ घुस गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियोस और फेक न्यूज जो आप लोगों को पहुंचा रहे हैं फेक वायरल्स वीडियो के थ्रू हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारा मकसद था कि इस चीजों को जनता के समक्ष रखा जाए। इसीलिए हमने फॉरेन से अपने घर के स्टूडियोज में यानी अपने घर के हॉल में बैठकर हमने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप तक सच्ची खबर जो पहुंच सके, क्योंकि आपको सच बताना सिलवासा न्यूज लाइन का दायित्व बनता है। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय सिलवासा।